रीप राजस्थान यार, आप लोगों को भी बहुत सारे सवाल होंगे भैया। हमको तो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। हाँ, सीएससी ब्रांच चाहिए सबको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, मशीन लर्निंग चाहिए, डेटा साइंस चाहिए, पर कैसे? वेल यार, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, थोड़ा पहले इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में जान लो। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इंस्टीट्यूट तो अलॉट हो गया भैया, मेरे को आरटीयू कोटा चाहिए था, कोटा तो मिल गया है, लेकिन मेरे को तो लोअर ब्रांच मिली है भैया। मेरे को तो मैकेनिकल मिला है, केमिकल मिला है, प्रोडक्शन मिला है, इलेक्ट्रिक मिला है, लेकिन मेरा सपना तो सीएस का है, मेरा सपना तो मशीन लर्निंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। देन आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है यार? उन लोगों के पास है इंटरनल स्लाइडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप इंस्टीट्यूट को बताते हो, भाई मेरे को तुम्हारे कॉलेज में ब्रांच तो मिला है, लेकिन ये अच्छा, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सीएससी में जाना चाहता हूँ, मैं मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीएस है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रिकल है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अगर कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है, देन पहले इंटरनल स्लाइडिंग वाले बच्चों को मौका दिया जाता है अपनी सीट और ब्रांचेस एक्सचेंज करने का मौका। ठीक है, आपका इंटरनल स्लाइडिंग हो गया कंप्लीट, ओके। देन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होता है, उसके बाद में जितनी सारी सीटें बचती है। अब आप लोग ये जो अपने दिमाग से निकाल दो कि यार हमको सीएससी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2000 रैंक है, रीप राजस्थान में 2000 रैंक है। इसका मतलब ये होता है कि उनके जो रैंक होती है, मतलब ये कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ, 2000 ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, आपकी जनरल रैंक बनेगी ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार, ठीक है। इन लोगों को भी सीएससी चाहिए, AI चाहिए, ML चाहिए, डेटा साइंस चाहिए। देन बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट में किसी में 60 सीटें हैं, किसी में 30 है, बहुत सारे में 120 सीटें भी है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज 5 से 6 कॉलेज है। तो आप लोगों को केमिकल प्रोडक्शन एंड ऐसी ऐसी ब्रांचेस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अगर आपका ये ख्वाब है कि भैया मेरे को तो सीएससी पढ़ना है, AI पढ़ना है, ML ही पढ़ना है, देन आप लोगों के लिए आउट ऑफ राजस्थान बहुत अच्छे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे काफी लो रैंक पे। अगर आपके 80% या उससे ऊपर है 12th में, देन आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ फीस माफ हो जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, तो आप उधर की तरफ जा सकते हो। अब स्पोर्ट राउंड का क्या प्रोसेस रहने वाला है राजस्थान में? तो यार वैसे तो आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, जो भी वैकेंट सीटें रहती है कॉलेजों के अंदर, वहां पे हम आपका एडमिशन कराने की पूरी पूरी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग दिस एडमिशन। और हमारे कोई बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, ओनली फॉर 1999 रुपए हम आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन हम आपके लिए 100% ट्राई करते हैं कि यार आपको अलॉटमेंट हो जाए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। 24x7 कॉल सपोर्ट, लोन की फैसिलिटी है आपको, बहुत सारे SBI के हमारे गाइडर्स हैं जो कि SBI में ऑलरेडी काम करते हैं, एंड अच्छे अच्छे कोटक एंड HDFC बैंक के मैनेजर्स आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि भैया लोन अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, बिना कोलेटरल के लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत फायदा रहता है बिना कोलेटरल में। क्या होता है यार, मतलब तुम्हारी नौकरी अगर नहीं लगी ना, तो बहुत बार क्या होता है लोन राउंड ऑफ हो जाता है साला। ठीक है, तुमने 10 लाख का लोन लिया, इंजीनियरिंग तो करी भैया लेकिन नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, 3-4 साल बाद तुम्हारा जो पैसा है वो तुम्हें नहीं देना पड़ता, जो भी लोग जिनको एक्चुअल में नीड है इनकी। ठीक है, क्योंकि अगर नौकरी नहीं लगी तो भाई 5 साल बाद 10 लाख रुपए कहां से लाओगे, और उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8-10% बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, 5 साल बाद जितना लोन लिया उसके जितना ही इंटरेस्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज लगा देता है बैंक। तो इसी का सोल्यूशन हम आपकी हेल्प करते हैं पूरी, और इसका प्राइस सिर्फ 1999 रुपए है। वेल हमारा प्रो प्लान भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि पूरा 100% अलॉटमेंट हम आपका कराते हैं। ठीक है, वेल हमारा मुद्दा है काउंसलिंग प्रोसेस। तो यार जैसे कोई कॉलेज है, फॉर एग्जांपल के लिए MBM जोधपुर है, ठीक है, तो MBM जोधपुर क्या करता है, पहले तो अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकालेगा कि यार हमारे यहाँ पे इतनी इतनी सीटें हैं, वो आपको दिखा देगा कि इतनी सीटें वैकेंट पड़ी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 50 सीटें वैकेंट है, आपने देखा भैया 50 सीट वैकेंट है, अब वो एक डेट डिसाइड कर देगा और एक एड्रेस दे देगा कि इस ऑडिटोरियम के अंदर इतनी बजे आप लोग आ जाना। ठीक है, अब दो रास्ते बनते हैं इसके अंदर। देखो, पहले तो थोड़ी इंटरनल स्लाइडिंग चल रही है, जैसे इंटरनल स्लाइडिंग का मामला शांत हो जाता है, वो जो भी बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है वो अपनी ब्रांचे ऊपर नीचे कर ले, संतुष्ट हो जाए एकदम, उसके बाद जितनी सीटें बचेगी उसके लिए स्पोर्ट राउंड स्टार्ट किया जाएगा। पहले इंटरनल स्लाइडिंग वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है, उसके बाद में आप लोगों के पास दो मौके हैं। पहले बहुत सारे कॉलेजेस आप लोगों की डिटेल्स, गूगल फॉर्म एंड काउंसलिंग
फीस 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए ले रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको वो पे कर देना है। फिर ये लोग मेरिट लिस्ट निकाल दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार आप कहाँ पर डिजर्व कर रहे हो, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आरटीओ कोटा जैसी वेबसाइट क्या करती है, आपको गूगल फॉर्म दे देती है कि भैया जिसको जिसको चाहिए अपने नाम डिटेल सारी डिटेल भर दे, उसके बाद में वो लोग वेरीफाई करते हैं कि ये बच्चे हैं। उसके बाद 2-3 दिनों बाद, 5-10 दिनों बाद वो लोग मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं वेबसाइट पे कि इतने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया भैया ये लोग अप्लाई किए हैं, मेरा इतने नंबर पे नाम आ रहा है, टोटल इतने बच्चे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 50 सीटें टोटल है, 1500 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो आप लोगों को ये बिल्कुल बक्को भी ध्यान लग जाएगा, भैया मेरा 1200 नंबर पे नंबर आ रहा है, 50 सीटें हैं, इसका मतलब मेरा तो नहीं हो रहा, या फिर 150 नंबर पे आपका नंबर आ रहा है, 50 सीटें हैं, इसका मतलब मेरा तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपके मतलब पैसे भी बच जाएंगे जाने के, एंड थोड़ी मतलब टेंशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसके वो तो हम सोल्व कर सकते हैं आपकी, ठीक है, एडमिशन अच्छे कॉलेज में दिला के। वेल यार वो एक अच्छा सॉल्यूशन है, एंड ऐसा ही बहुत सारी कॉलेजेस करते हैं, एंड जो है जिन बच्चों को बुलाते हैं या फिर जिनको जाना होता है उनका जो भी अमाउंट है, टोकन अमाउंट, एडमिशन फीस, ठीक है, वो और सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना रहता है यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम और कैंपस के अंदर। अब काफी सारे बच्चों को ये समस्या आ जाती है, बहुत बार बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, सेम डे कर देते हैं काउंसलिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए MBM और RTU के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों क्या करते हैं सेम डे कर देते हैं कभी कभी, हाँ, जिसको RTU में इंटरेस्ट है वो मेरे पास नहीं आएगा, जिसको मेरे में इंटरेस्ट है वो RTU में नहीं जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों को समस्या हो जाती है, भैया मेरे को MBA में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है RTU में मिल जाए, किस में जाए किस में नहीं जाए। इसमें यार हम आपकी हेल्प करते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, एंड बहुत सारी बड़ी बड़ी गाइडेंस आप लोग ले सकते हैं। स्पोर्ट राउंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं बहुत सारे कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें भी वैकेंट रहती है, आउट ऑफ राजस्थान भी बहुत सारी सीटें वैकेंट है, अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट है कि मेरे को तो CSE ही लेना है, देन आई प्रेफर दैट कि आप आउट ऑफ राजस्थान पकड़ सकते हैं। ये जितने भी प्राइवेट कॉलेज है जयपुर वाले, इनमें भी स्पोर्ट राउंड और मैनेजमेंट कोटा रनिंग में चल रहा है, आप लोग कॉलेजों से विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं, आपको ऐसा बताया जा रहा होगा कि यार सीटें नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सीटें है, ठीक है, इसलिए ले लो।